वीवो V27 Pro एंड नथिंग फोन 1 करते हैं इन दोनों ही फोन का एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन। एंड यहाँ पे अगर आप वीवो V27 भी ले लेंगे तो उसमें भी सेम कैमरा सेटअप है, तो उन दोनों का कंपैरिजन भी आप इसे मान सकते हैं। एंड इन दोनों का कंपैरिजन करने का एक सिंपल सा रीजन ये है कि दोनों में ही जो प्राइमरी कैमरा है वो सिमिलर है, सोनी IMX766। तो मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों के कैमरास को कंपेयर करा जाए साइड बाई साइड एंड देखा जाए कि कौन सी कंडीशन में कौन से फोन का कैमरा बेहतर परफॉर्म करता है। नथिंग में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, वीवो की बात करी जाए तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, तीसरा मैक्रो लेंस है, नथिंग में आप अल्ट्रा वाइड से मैक्रो फोटोज भी ले सकते हैं। फ्रंट की बात करी जाए तो नथिंग में 16 मेगापिक्सल का सेंसर है, वीवो में 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। चलिए करते हैं दोनों ही फोन के कैमरास को टेस्ट अलग अलग कंडीशन में एंड देखते हैं कौन सी कंडीशन में कौन से फोन का कैमरा बेहतर परफॉर्म करता है। डेलाइट कंडीशन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई फोटो है एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि नथिंग का आउटपुट काफी बेटर है अगर आप कंपेयर करते हैं वीवो से। तो वीवो में यहाँ पे कलर्स को बूस्ट कर दिया है, डिटेलिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी है, नथिंग ने कलर्स को काफ़ी सही बैलेंस किया, फील्ड ऑफ व्यू भी काफ़ी बढ़िया है एंड कलर्स वगैरह अननेचुरली बूस्ट नहीं करे है। जूम इन करके डिटेलिंग एंड शार्पनेस नोटिस करेंगे तो वो भी यहाँ पे नथिंग में बेटर है, तो अल्ट्रा वाइड में नथिंग बेटर परफॉर्म कर रहा है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज एंड यहाँ पे अगेन मुझे नथिंग का आउटपुट बेटर लग रहा है, कलर्स वगैरह उसने बेटर मैनेज करे है, वीवो ने यहाँ पे थोड़े से बूस्ट कर दिए कलर। अब उसके अलावा यहाँ पे अगर डायनामिक रेंज के बारे में बात करी जाए तो वो अगेन दोनों की ही अच्छी है। स्किन टोन की बात करी जाए तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज में मुझे नथिंग का बेटर लग रहा है, जूम इन करेंगे देखेंगे डिटेलिंग एंड शार्पनेस तो वहाँ पे भी नथिंग थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो यहाँ पे अगेन नथिंग ने बेटर परफॉर्म किया है। ये पोर्ट्रेट मोड है एंड एज डिटेक्शन के मामले में दोनों ही फोन अच्छा काम कर लेते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। एंड अगेन जो कलर्स वगैरह वीवो में थोड़े से बूस्टेड है, नथिंग में एकदम ही नेचुरल आउटपुट आपको मिल जाता है। उसके अलावा वीवो में आपको पोर्ट्रेट मोड में भी जूम का ऑप्शन मिलता है, तो डेफिनेटली वो एक एडवांटेज है जो वीवो के पास है। दोनों ही फोन में फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है एंड अगेन यहाँ पे नथिंग की इमेज काफी बेटर है, काफी ज्यादा शार्प आउटपुट है, कलर्स भी काफी सही बैलेंस करे है। वीवो की बात करी जाए तो स्किन टोन इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया है, स्किन टोन को थोड़ा सा रेड बना दिया है एंड जितनी लो लाइट वीवो ने दिखाई उतनी लो लाइट एक्चुअल में थी नहीं। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम पोर्ट्रेट मोड ऑन करेंगे तो एज डिटेक्शन वगैरह दोनों ही फोन का काफी बढ़िया है, बट ओवरऑल यहाँ पे जो आउटपुट है वो मुझे नथिंग का ही बेटर लग रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। प्रोटेक्शन हर जगह पे काफी जरूरी है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोन के स्क्रीन के प्रोटेक्शन के बारे में एंड आपकी फोन की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए गैजेट सेल्स लेके आ गया X Glass Plus एंड इसके कुछ की फीचर के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको एंटी फिंगरप्रिंट सिरामिक कोटिंग देखने को मिलता है, तो मतलब जो फिंगरप्रिंट वगैरह है ना वो स्क्रीन पे ऐसे नहीं लगेंगे। सिंपल भाषा में बताओ तो आपका हाथ है वैसे चिपकेगा नहीं, अच्छी तरह कैसे स्लाइड कर पाएंगे। उसके अलावा जो इसकी हार्डनेस है वो 9 inch की है, तो काफी ज्यादा स्क्रेच रेजिस्टेंस एंड जो इसकी थिकनेस है ना वो भी काफी कम है 0.33 mm, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना वो भी काफी अच्छे से वर्क करता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पैकेजिंग देखने को मिल जाता है X Glass Plus, तो चलिए जल्दी से इसमें से निकाल लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको क्लीनिंग किट देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे मेरे पास नथिंग फोन 1 है, तो इस पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इसमें से कपड़े को निकालना है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिल जाता है एंड ये वाइप्स है एंड ये कुछ स्टिकर्स भी है अगर डस्ट वगैरह आप दूर करना चाहे तो। पहले हम साफ कर लेते हैं, चलिए अभी हम ग्लास को अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देख लेना है ठीक से कि सभी जगह से अच्छे से फिट हो रहा है कि नहीं एंड उसके बाद बबल्स वगैरह को निकाल देना है, ठीक है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम स्क्रीन के जैसा ही लग रहा है एंड यहाँ पे अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाते हैं TKW12 तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जाइए एंड ये प्रोमो कोड लगाएं, उसके बाद इसको आप परचेस कीजिए। अब ये कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई फोटोस एंड यहाँ पे भी अगेन आपको वही डिफरेंस नोटिस होगा, वीवो में थोड़े से बूस्टेड कलर्स आते हैं, नथिंग में एकदम ही नेचुरल कलर्स आते हैं। अब ये फोटो काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे वीवो ने काफी अच्छे तरीके से सारी चीजों को मैनेज करा है एंड जो सनलाइट है उसको भी अच्छे से दिखाया है, नथिंग ने यहाँ पे पूरा सीन ही चेंज कर दिया है एंड एकदम ही वॉश आउट कर दिया है स्काई वाला पार्ट। तो कुछ एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे वीवो भी बेटर परफॉर्म करता है एंड कुछ एक कंडीशन ऐसी भी है जहाँ पे वीवो बहुत बेकार परफॉर्म करता है, बहुत ही कलर्स को बूस्ट करता है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो कंसिस्टेंसी है उसकी कमी है, बट ज्यादातर कंडीशन में नथिंग ने यहाँ पे बेटर परफॉर्म किया है। दोनों ही फोन में प्राइमरी कैमरा से निकाली गई कुछ ऑब्जेक्ट की फोटोस हैं एंड अगेन यहाँ पे दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस अच्छा है, वीवो के कलर्स थोड़े से बूस्टेड आते हैं, नथिंग के कलर्स एकदम ही नेचुरल की तरफ आते हैं, तो वो एक की डिफरेंस है। उसके अलावा डिटेलिंग, शार्पनेस या फिर लेट्स से डायनामिक रेंज,
सभी दोनों ही फोन का बढ़िया है, वहां पे ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों ही फोन में 50 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन मोड में निकाली गई इमेज है। पहली नजर में आपको यहाँ पे माइनर सा कलर्स का डिफरेंस पता चल जाएगा। डिटेलिंग देख लेते हैं जूम करके, एंड जूम करने के बाद क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि जो नथिंग की इमेज वो ज्यादा शार्प है कम्पेयर टू वीवो, बट जो वीवो की इमेज वो थोड़ी सी ज्यादा क्लियर दिख रही है कम्पेयर टू नथिंग। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई मतलब मेजर डिफरेंस नहीं है। इंडोर कंडीशन में दोनों ही फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस निकाली गई इमेज, एंड क्लियरली यहाँ पे नथिंग बेटर है, कलर्स वगैरह बेटर मैनेज किया, स्किन टोन बेटर मैनेज किया है। एंड वीवो की बात करी जाए एकदम वियर्ड बना दिया है मेरे फेस को, एंड जूम इन करके भी अगर आप देखेंगे तो जो शार्पनेस वगैरह है वो भी नथिंग की बेटर है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है, एंड अगेन यहाँ पे दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है। वीवो में थोड़ी सी बूस्टेड आती है इमेज, नथिंग की बात करी जाए तो नेचुरल कलर से स्किन टोन भी बेटर मैनेज किया है। वीवो ने यहाँ पे थोड़ा सा पिंकिश स्किन टोन बनाया है जो कि मुझे इश्यू नहीं लग रहा है, काफी सारे लोग उस तरह के आउटपुट को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दोनों ही फोन का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, बट किसी एक को पिक करना हो तो अगेन मैं नथिंग को प्रीफर करूंगा। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है, एंड एज डिटेक्शन दोनों ही फोन ने अच्छे तरीके से कर लिया है। अगेन यहाँ पे वीवो कलर्स बूस्ट करता है, नथिंग कलर्स को बूस्ट नहीं करता है। इंडो फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, यहाँ पे अगेन दोनों ही फोन ने काफी अच्छा काम किया है, बट वीवो यहाँ पे एकदम ही ब्राइट आउटपुट देता है। नथिंग यहाँ पे जो नेचुरल कलर्स होते हैं, जो नेचुरल कंडीशन होती वही रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे टी शर्ट का कलर आप देख सकते हैं, नथिंग ने एक्चुअल दिखाया, वीवो ने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा येलो बनाया है। बाकी स्किन टोन की बात करी जाए तो वीवो यहाँ पे ब्यूटीफाई करता है, एकदम ही पिंक स्किन टोन दिखाया है, नथिंग ने नेचुरल दिखाया है। डिटेलिंग एंड शार्पनेस दोनों का ही अच्छा है। पोर्ट्रेट मोड अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे दोनों ही फोन एज डिटेक्शन अच्छे तरीके से कर लेते हैं, एंड ब्लर को आप दोनों ही फोन में एडजस्ट कर सकते हैं फोटो लेने के बाद भी। इंडोर आर्टिफिशियल लाइटिंग में निकाली गई कुछ ऑब्जेक्ट की फोटोस है, एंड यहाँ पे भी वही डिफरेंस आपको नोटिस हो जाएगा। वीवो में जो आउटपुट है वो कलरफुल आता है, नथिंग में एकदम ही नेचुरल आउटपुट आता है, कलर्स वगैरह इतने बूस्टेड नहीं होते हैं। तो अगर आपको बूस्टेड कलर्स पसंद है तो वीवो की तरफ जाइए, अगर आपको नेचुरल आउटपुट पसंद है तो नथिंग की तरफ जाइए। बट वीवो में भी अगेन आपको नेचुरल कलर का मोड देखने को मिल जाता है, तो वो अगर आप ऑन करेंगे तो फिर नथिंग के जैसा ही कुछ आउटपुट आपको मिल जाएगा। दोनों ही फोन में फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ, नथिंग में 1080 पिक्सल 30 FPS मैक्सिमम है, वीवो में आप 4K 60 FPS तक जा सकते हैं। अभी ये जो फुटेज देख रहे हैं 1080 60 FPS पे देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग देखिए फुटेज की क्वालिटी वगैरह किस तरह की है। शेडोड एरिया में था, अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट में आ गया हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा फ़ोन बेहतर काम कर रहा है, स्टेबिलिटी वगैरह कहाँ पे बेटर है। ये नॉर्मल मोड है, वीवो में आपको स्टडी फेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको बेहतर स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलेगा। बाकी ऑडियो पिकअप वगैरह आपको कहाँ पे बेटर लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोनों ही फ़ोन में प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहा हूँ, एंड 1080 पिक्सल 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ दोनों ही फ़ोन में। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल फुटेज की क्वालिटी वगैरह किस तरह की है, एंड नथिंग में यहाँ पे भी लैग मुझे दिख रहा है ऑन स्क्रीन, वीवो में ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है। डायनामिक रेंज अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया है दोनों की ही। वॉक कर लेते हैं, लेट्स सी स्टेबिलिटी में कौन सा फ़ोन बेटर है। दोनों में ही OIS एंड EIS दोनों ही मिल जाता है। तो ऑन स्क्रीन तो अगेन इतना फ़र्क मुझे पता नहीं चल रहा है, आप लोग एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं तो बेहतर समझ पाएंगे। तो दोनों ही फ़ोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा हूँ, नथिंग में यहाँ पे 4K का भी ऑप्शन मिलता है, 1080 60 का भी ऑप्शन मिलता है। वीवो में यहाँ पे मैक्सिमम 1080 पिक्सल 30 FPS तक ही शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी वगैरह आ रही है, एंड अभी मैं वॉक भी कर लेता हूँ सो मैं स्टेबिलाइजेशन के बारे में आइडिया लगे। ऑन स्क्रीन मुझे पता नहीं चल रहा है कौन से फ़ोन की फुटेज ज़्यादा स्टेबल है, बाकी आप लोग एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं तो बेहतर समझ पाएंगे। एंड डायनामिक रेंज वगैरह आप देख सकते हैं, एंड नथिंग यहाँ पे क्लियरली लैग कर रहा है, मुझे ऑन स्क्रीन दिख रहा है, बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगा। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे अगर रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो ज़्यादातर कंडीशन में डेफिनेटली नथिंग ने बेटर परफॉर्म किया है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। स्पेशली जो ह्यूमंस की फोटोग्राफी हम करते हैं वहाँ पे स्किन टोन है, कलर्स है, वो सारी ही चीज़ें मुझे नथिंग की बेटर लगी है। वीवो की भी बुरी नहीं थी, बट वहाँ पे बूस्टेड कलर्स आते हैं, स्किन टोन एकदम ही ब्राइट आता है। तो अगर आपको उस तरह का आउटपुट पसंद है तो डेफिनेटली आप वीवो की तरफ जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी के बारे में बात करी जाए तो वहाँ पे कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट जो कलर्स वगैरह है वो वीवो में आपको बूस्टेड देखने को मिलते हैं। वीडियोस की बात करी जाए तो वहाँ पे डेफिनेटली वीवो में आपको एडवांटेज मिल जाता है, स्पेशली फ्रंट कैमरा में 4K 60 तक शूट कर सकते हैं। नथिंग की बात करी जाए तो
मेगापिक्सल एट 30 FPS तक ही शूट कर सकते हैं, तो उस मामले में डेफिनेटली वीवो थोड़ा सा आगे है। एंड जो रियर कैमरा से वीडियोस मैंने निकाली थी वहां पे भी जो वीवो का आउटपुट है वो मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा था कम्पेयर टू नथिंग। तो फोटो में नथिंग विनर है, वीडियो में वीवो विनर है। अगर इन दोनों में से किसी एक को पिक करना हो, दोनों ही सेम प्राइस पे मिल रहे हो, तो फिर मैं वीवो पिक करूंगा, बिकॉज मुझे जो फ्रंट कैमरा है उसका थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।